2019 का लोकसभा चुनाव अगर फाइनल है तो उससे पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल से कम नहीं। तारीखों का ऐलान होते ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियों ने अपनी राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनावी गहमा गहमी का दौर तेज हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी के अधेड़ उम्र के नेता हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड। बदलते दौर के साथ बीजेपी ने सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस समझी, जिसका फायदा उसे 2014 के लोकसभा चुनाव में मिला, जिसके बाद अपनी गलतियों से सबक लेते हुए कांग्रेस भी सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखी। लेकिन अगर एक नज़र नेताओं के ट्विटर फॉलोवर्स पर डालें तो अभी भी बीजेपी के बुजुर्ग दिग्गज नेता कांग्रेस के युवा नेताओं पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। अगर बात सबसे पहले की जाए राजस्थान की, तो यहाँ वसुंधरा राजे का राज है, जिनका मुकाबला इस बार कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार सचिन पायलट से होने वाला है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 65 साल की वसुंधरा के जहां 3,49,00,000 ट्विटर फॉलोअर्स हैं, तो वहीं 41 साल के सचिन पायलट के 5,06,400 ट्विटर फॉलोअर्स हैं। वहीं बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां 59 साल के शिवराज सिंह चौहान 47 साल के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भारी पड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को जहां ट्विटर पर 4,30,00,000 लोग फॉलो करते हैं, तो वहीं सिंधिया के महज 1,24,00,000 ट्विटर फॉलोअर्स हैं। अब बारी आती है छत्तीसगढ़ की, जहां रमन सरकार का बोलबाला है। यहां भी रमन सिंह के आगे कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार भूपेश बघेल कहीं नहीं टिकते हैं। 65 साल के रमन सिंह के जहाँ ट्विटर पर 2,11,00,000 फॉलोअर्स हैं, तो वहीं बघेल के महज 19,300 ट्विटर फॉलोअर्स हैं। तो देखा आपने सोशल मीडिया पर बीजेपी के अधेड़ उम्र के नेताओं ने कैसे बाजी मार रखी है। जानकारों के माने तो बीजेपी की सोशल मीडिया टीम में प्रोफेशनल लोग हैं, तो कांग्रेस की सोशल मीडिया को ज्यादातर पार्टी कार्यकर्ता संभाल रहे हैं, जिसका खामियाजा शायद कांग्रेस को इन चुनावों में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि देश की करीब 65% आबादी युवा है, और ऐसे में आज के दौर में सोशल मीडिया वो हथियार बन गया है जिसके बिना युवा पीढ़ी तक अपनी पहुंच बनाना आसान नहीं है।